हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग बीए कर रहे हो या फिर बीए में एडमिशन लेने का सोच रहे हो और आपको ये जानना है कि बीए कंप्लीट करने के बाद में किस तरीके की जॉब आपको मिलेगी, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होंगे गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, किस तरीके की जॉब होगी, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बीए कंप्लीट करने के बाद में किस तरीके के जॉब ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके की कंपनीज में आपको जॉब मिलेगा और क्या आपका जॉब रोल हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग बीए। तो दोस्तों, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करें तो मीडिया एंड जर्नलिज्म में आप जा सकते हो। यहाँ पे काफी ज्यादा स्कोप होता है बीए ग्रेजुएट्स का, तो यहाँ पे आप एज अ जर्नलिस्ट या फिर एज अ रिपोर्टर के तौर पे आप काम कर सकते हो, एज अ एडिटर के तौर पे काम कर सकते हो, कॉन्टेंट राइटर के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे आप काम कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा, आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो, आप एज अ टीचर या फिर प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए आपको बीए करने के बाद में आगे थोड़ा फर्दर स्टडी करना पड़ेगा, या बीएड आपको आप कर सकते हो या फिर एमए कर सकते हो। इस तरीके से फर्दर स्टडी करने के बाद में आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो। तो यहाँ पे आप एज अ टीचर या प्रोफेसर बन सकते हो, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, या फिर आप एक एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हो, स्टूडेंट काउंसलर बन सकते हो, या फिर एकेडमिक एडवाइजर भी आप बन सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन फील्ड में आपको जाना है तो फर्दर स्टडीज आपको करना होगा, बीएड है, उसके बाद में एमएड का भी ऑप्शन होगा अगर आपको एजुकेशन फील्ड में हायर लेवल में काम करना है, जैसे कि एजुकेशनल कंसल्टेंट है या फिर एकेडमिक एडवाइजर है, तो मास्टर्स डिग्री तक आपको पढ़ाई करनी होगी। उसके अलावा आप बहुत सारे एनजीओ या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, जिसमें आप एज अ सोशल वर्कर के तौर पे काम कर सकते हो, एज अ फंड रेजर के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर कम्युनिटी रिलेशन मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर सीएसआर मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी होती है जिनका एक सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, कोई भी ले लो, तो वहां पे क्या होता है कि उनका एक सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सोशल वर्क करते हैं। ये कंपलसरी है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपलसरी, जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनको सीएसआर करना ही है। सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंतर्गत वो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो करने के लिए वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं इन लोगों का, किन लोगों का, जो सोशल एक्टिविटीज अच्छे से करवा सके और कर सके, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे पेमेंट भी आपकी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क है तो पेमेंट अच्छी नहीं होगी। सीएसआर में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी आपकी पेमेंट 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी हो सकती है। तो अच्छा स्कोप है आपका इस सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करने के लिए भी, आपको अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा आप हॉस्पिटैलिटी या फिर टूरिज्म सेक्टर में काम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर और बीए के अंदर में आपने अगर किस इस सेक्टर में स्पेशलाइजेशन किया है, तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी ओपन हो जाएगी, जैसे कि इवेंट कोऑर्डिनेटर है, टूर गाइड है, या फिर ट्रैवल कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बिजनेस में जाना है तो बिजनेस में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। जनरली बिजनेस सेक्टर के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन बीए करने के बाद में भी अगर आपके पास में वो स्किल्स है, अगर बिजनेस के अंदर में वो काम अगर आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको भी वहां पे चांस जो है वो मिल सकता है। तो बिजनेस सेक्टर के अंदर किस तरीके के फील्ड में आपको चांस मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, या फिर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उस तरीके के डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो प्राइवेट के अंदर में आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20,000 से लेकर 40,000 की रेंज में कहीं पे भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल रहा है, आपके स्किल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो सैलरी है वो आपकी डिपेंड करेगी। 20,000 से स्टार्टिंग हो रही है, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी 20,000 से कम भी मिले, और किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी स्टार्टिंग सैलरी आपको 40,000 से भी ज्यादा मिल जाए। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपने किस कॉलेज से बीए कंप्लीट किया, क्या आपका कॉलेज प्लेसमेंट से आपको जॉब मिल रही है, या फिर एक्सटर्नल आप अप्लाई कर रहे हो,
किस तरीके की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपको रेफरेंस से जॉब मिल रहा है या फिर आपका वॉक इन इंटरव्यू से जॉब मिल रहा है, तो वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो डिपेंड करेगी। अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें कि गवर्नमेंट में क्या क्या जॉब रोल्स आपके रहेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग बीए, तो बहुत सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट में आपके लिए रहेंगे। टॉप लेवल की बात करें, अगर आपको गवर्नमेंट में टॉप लेवल में टॉप पोजीशन में काम करना है तो यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विस, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के बाद में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो एज अ आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर में, या फिर एज अ आईपीएस ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हो। आईएएस में कलेक्टर लेवल की जॉब मिलेगी, आईपीएस में पुलिस में आपको जॉब मिलेगी, लेकिन पुलिस में बहुत ही अच्छे लेवल पे, टॉप लेवल पे एसपी के लेवल पे आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। उसके अलावा आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आपको जॉब मिल सकता है, उसके अलावा आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, जो काफी रेप्यूटेड जॉब होती है। काफी यहाँ पे जो काम है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है और यहाँ पे पावर और पोजीशन दोनों चीजें यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिलेगी। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, ये हमने जो बात की वो यूपीएससी का सेंट्रल लेवल पे होता है। उसके अलावा स्टेट लेवल पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आप जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के एग्जाम दे करके आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। यहाँ पे भी स्टेट लेवल के अंदर जो टॉप पोजीशंस होते हैं, जो बहुत ही अच्छे बेहतरीन जॉब होते हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे कि मामलेदार है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके अलावा सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, लेबर इंस्पेक्टर है, उसके अलावा चीफ ऑफिसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। इस तरीके के टॉप मोस्ट बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करनी होगी। एग्जाम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पहले आपकी प्रीलिम्स होगी, मेंस होगी, इंटरव्यू होगा, वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद में यहाँ पे आपको जॉब मिल पाएगा। दोस्तों इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे एक और एग्जाम होता है एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं, उसमें एक सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम होता है, वो देने के बाद में भी सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकता है। यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट ऑफिसर का जॉब मिल सकता है। किस तरीके की एजेंसी, तो सेंट्रल एजेंसी जैसे कि आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर ईडी है, सीबीआई है, ह्यूमन राइट कमीशन है, नार्कोटिक्स ब्यूरो है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इस तरीके की बड़ी एजेंसीज में यहाँ पे आपको अच्छे लेवल पे जॉब मिल सकता है ये एग्जाम देने के बाद में। कौन सी एग्जाम, तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम देने के बाद में। उसके अलावा रेलवे में अगर आपको इंटरेस्ट है रेलवे में जाना है, तो रेलवे में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आरआरबी का एग्जाम होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो एग्जाम देने के बाद में बहुत सारे अलग अलग आपको जॉब पोजीशंस मिल सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट स्टेशन मैनेज मास्टर है, या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस है, ट्रैफिक अप्रेंटिस है, सीनियर क्लर्क है, या फिर टिकट एग्जामिनर है, या फिर टाइम कीपर है, इस तरीके के रोल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। गवर्नमेंट में आपकी सैलरी क्या होगी, तो गवर्नमेंट में आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 80,000 की रेंज में कहीं पे भी आपकी सैलरी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कौन से क्लास के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे अलग अलग क्लास होते हैं, क्लास वन ऑफिसर, क्लास टू ऑफिसर या फिर क्लास थ्री ऑफिसर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो सैलरी रहेगी। गवर्नमेंट के जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें क्या होता है, एक बेसिक पे होता है, बेसिक पे के ऊपर में बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जैसे कि टीए, डीए, एचआर है, उसके अलावा एजुकेशनल रिलेटेड बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, मेडिकल रिलेटेड मिलेंगे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो एक बेसिक पे होता है और उसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वो सारे मिल करके एक सैलरी आपकी बनाते हैं। तो 40,000 से लेकर 80,000 की रेंज में कहीं भी आपकी सैलरी आपको मिल सकती है, ये समझ के आप चलो गवर्नमेंट के अंदर में। तो जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें जो रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपकी सैलरी कितनी है, बेसिक पे कितना होगा और कितना अलाउंसेस मिलेगा, वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि बीए कंप्लीट करने के बाद में किस तरीके की जॉब मिलेगी, किस तरीके की कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, किस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये एक आपका आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।